गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एस एस टी के लास्ट में 13 द ग्रेट एमिनेंट पर्सनालिटीज का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो टॉपिक था वो था अबाउट सोक्रेटिस। आज हम अब्राहम लिंकन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब्राहम लिंकन वॉज ए ग्रेट एमिनेंट पर्सनालिटीज। ही वॉज बॉर्न इन यूएसए केंटकी इन 1809, पैदा हुए थे 1809 में यूएसए के केंटकी में। ये बिलोंग फ्रॉम ए पुअर फैमिली, और गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, और इसकी वजह से उन्होंने स्कूलिंग बहुत अर्ली स्टेज में छोड़ दिया था, और बाकी टाइम में वो अपने पापा को खेत के काम में हेल्प करते थे, समझ में आया। और द एज ऑफ 22 साल की उम्र में उनको घर छोड़ना पड़ा था अलग अलग नौकरियों की तलाश में। एज ए लॉयर बनने से पहले, लॉयर क्वालिफाइड होने से पहले उन्होंने अलग बहुत सारे जॉब्स के लिए ट्राई भी कर चुके थे, ठीक है। और धीरे धीरे पासिंग ऑफ टाइम्स उन्होंने पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया, और उस टाइम जो अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक बहुत बुरा फेज से क्रॉस कर रहा था। वहाँ पे स्लावरी सिस्टम्स को लेके, कृतदास प्रथा को लेके क्वेश्चन हमेशा लगा रहता था। तो उस टाइम क्या होता था, द होल कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लावरी। कृतदास सिस्टम को लेके, प्रथा को लेके पूरा देश दो पार्ट में डिवाइड करवाया गया था। द सदर्न स्टेट हैड लार्ज प्लांटेशंस वेयर अफ्रीकन नीग्रो स्लाव्स वेयर क्रिप्ट। तो यहाँ पे सदर्न पार्ट में अफ्रीकन जो निग्रो होते हैं, निग्रो आदिवासी होते हैं, उनके जो स्लाव्स मीन्स कृतदास की तरह काम करवाया जाता था। द स्लाव्स वेयर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। दे कुड बी ब्रॉट और सोल्ड इन द मार्केट, और उन लोगों को जानवरों की तरह डील भी किया जाता था, मार्केट से उसको खरीदा और बेचा जाता था काम करवाने के लिए। एज ए स्लाव, एज ए कृतदास की तरह उसको काम करवाने के लिए मार्केट से उसको खरीदा जा रहा था और बेचा भी जा रहा था। द पीपल ऑफ नॉर्दर्न स्टेट वेयर अपोज टू द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, ठीक है। ये जो कंडीशन चल रहा था स्लेवरी सिस्टम को लेके, जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा था, ये सदर्न पार्ट में चल रहा था, और जिसको अगेंस्ट या जिसके खिलाफ लड़ना चाहते थे नॉर्दर्न पार्ट या नॉर्दर्न यूएसए के लोग। ड्यूरिंग दिस टाइम, उसी टाइम अब्राहम लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उसी टाइम अब्राहम लिंकन को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाया गया यूएसए में। ही वॉन्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी, वो हमेशा कृतदास प्रथा की जो समस्या था उसको समाधान करना चाहते थे। द सदर्न स्टेट डिडंट वांट स्लेवरी टू एंड, लेकिन जो सदर्न पार्ट है जहाँ पे आपकी कृतदास प्रथा की शुरुआत हुआ था, वो कोशिश ही नहीं कर रहे थे, चाह नहीं रहे थे स्लेवरी सिस्टम्स का खत्म हो। दे इवन वॉन्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द कंट्री, और इसके वजह से नॉर्दर्न पार्ट से अलग होना भी चाहते थे। वो सोचते थे कि वैसे हम दो पार्ट में डिवाइड ही कर देंगे, क्योंकि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो स्लेवरी सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब्राहम लिंकन वॉन्टेड टू कीप द कंट्री, बट अब्राहम लिंकन जो थे वो दोनों ही पार्ट को एक साथ यूनाइट इकट्ठा रखना चाहते थे। फाइनली लास्ट में एक सिविल वार ब्रोक आउट, जिसकी वजह से एक सिविल वार क्रिएट हुआ, रीजन क्या था, स्लेवरी सिस्टम को लेके, बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। और इसमें सिविल वार क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन ये वार भी जीते, और स्लेवरी सिस्टम को, कृतदास प्रथा को हटाने में ये सक्षम हो पाए थे। लिंकन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम, और उन्होंने दोबारा इनको एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाया गया। टू वांटेड पीपल टू फॉरगेट द पास्ट एंड लिव इन प्रेजेंट, सोचते थे लोगों के साथ जो भी हुआ है सदर्न पार्ट में, लोगों के साथ जो भी हुआ है वो सारे लोग भूल जाए और एक शांति में अपने लाइफ स्टाइल को गुजारे। ही मेड सिंसियर इफेक्ट्स टू हील द वुंड्स कॉज्ड बाय द वार, वो बहुत अच्छा कोशिश करते थे कि वार के दौरान जिसको जो भी नुकसान हुआ है उस चीज़ का भरपाई हो सकता है। इन 1865 में, 1809 में उनका बर्न हुआ था, पैदा हुए थे वो, और 1865 में, दैट मीन्स इन द एज ऑफ आपका हो गया 56, ठीक है। ही वॉज डेड बाय अ सपोर्टर ऑफ सदर्न स्टेट, और सदर्न स्टेट की जो सपोर्टर थे जहाँ पे स्लेवरी सिस्टम क्रिएट हुआ था, उनके सपोर्टर के हाथ से उनकी खून हुआ था, मतलब उनकी गोली मार के हत्या करवाई गई थी, ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंट जो अब्राहम लिंकन है, इंपॉर्टेंट कब जाता है, स्लेवरी सिस्टम को डिमोलिश करने के लिए, उन्होंने स्लेवरी सिस्टम को खत्म करवाया था, और दो बार एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए उन्होंने वो इलेक्ट भी हुए, ठीक है। देन हम देखेंगे अबाउट कार्ल मार्क्स। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मीन्स इंडस्ट्री का, मशीन एज का डेवलपमेंट, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो और टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम, कम टाइम कंज्यूम करे, द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्रीज बिकम वेरी रिच एज दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स बाय सेलिंग देयर गुड्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान जो फैक्ट्रीज के जो ओनर्स थे, मालिक थे, वो धीरे धीरे बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होने लगा।
द प्रॉफिट्स इंक्रीज देयर कैपिटल, ये जो प्रॉफिट होता था इनकी कैपिटल्स को बढ़ाने लगा, कैपिटल मीन्स जो उनका सेविंग अमाउंट को बढ़ाने लगा, हेंस देवर कॉल्ड कैपिटलिस्ट, इसीलिए उनको कैपिटलिस्ट बोला जाता था। कैपिटलिस्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था? ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान ही कैपिटलिज्म की शुरू हुआ था, क्योंकि उसी टाइम उनकी कैपिटल्स मीन्स अमाउंट का इंक्रीजमेंट हुआ था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा हुआ, ज़्यादा प्रोडक्शन अमाउंट बेच के उनके ज़्यादा कैपिटल्स या ज़्यादा सेविंग्स होने लगे। ठीक है, द कैपिटलिस्ट डिडंट टेक केयर ऑफ देयर वर्कर्स, वो तो खुद अमीर होते चले गए, लेकिन जो वर्कर्स जो काम के लिए उनको नियुक्त करवाया था उनके लिए कोई नहीं सोचता था, मतलब दे डिडंट केयर फॉर देयर वर्कर्स, दे वेयर कंसर्न फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स, वो सिर्फ अपना ही फायदा देखते थे, कौन? कैपिटलिस्ट। द वर्कर्स मेड ए मिजरेबल लाइफ, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत खराब था, जो लोग काम कर रहे थे उनका इंप्लीमेंट नहीं था, लेकिन जो कैपिटलिस्ट थे जो ओनर्स थे उन्हीं का ही फायदा हो रहा था, उन्हीं के खिलाफ कार्ल मार्क्स की लड़ाई हुई थी। थिंकर्स बिकम अपसेट ओवर सिचुएशंस, ये सिचुएशंस बहुत सोचने लायक था, कार्ल मार्क्स वाज वन ऑफ देम, सोचने वाले में से जो इनके खिलाफ कुछ कर सकते थे वो कार्ल मार्क्स थे। ही केम अप विद द आइडिया दैट डेस्टिनी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल शुड नॉट बी द हैंड्स ऑफ ए फ्यू, उनके हिसाब से इतना हज़ारों लोगों की जो डेस्टिनी है ये एक लोग या कुछ लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ लोगों के फायदे के लिए हम दूसरों को बर्बाद नहीं कर सकते या दूसरे के फ्यूचर के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। इफ थर्ड दैट द मॉडर्न फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स शुड नॉट बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, उनके हिसाब से ये था कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े कंपनीज है, उनका जो फायदा हो रहा है ये प्रॉफिट सिर्फ उसको उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, एज वेल जो वर्कर्स है उनको भी कुछ हिस्से में उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। ही रूट द फेमस बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उन्होंने एक किताब लिखा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एलोंग विद हिज फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स, उनके दोस्त के साथ मिलके फ्रेडरिक एंगल्स, बुक का नाम क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें बिजनेस रिलेटेड कुछ जैसे वर्कर्स के डेवलपमेंट कैसे हो सकते हैं उसके ऊपर डिटेल्स में लिखा था। इन हिज बुक, इस बुक में ही गेव ए स्लोगन, उन्होंने एक स्लोगन लिखा था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, जितना भी वर्ल्ड में दुनिया में जितने भी वर्कर्स है अब सबको यूनाइट, इकट्ठा होने के टाइम आ गया। ही वांटेड द वर्कर्स टू फाइट द कैपिटलिस्ट, वो चाहते थे जितने भी वर्कर्स है वो कैपिटलिस्ट अगेंस्ट, कैपिटल मीन्स द ओनर, जिनका कैपिटल्स या प्रिंसिपल अमाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा था या जिसका सेविंग अमाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा था, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो चाहते थे कि हमें अभी यूनाइट होने की, इकट्ठा होने की टाइम आ गया, और हमारे जो टाइम है अभी लड़ाई करने की टाइम है अगेंस्ट कैपिटलिस्ट। द अदर बुक व्हिच कार्ल मार्क्स, अदर जो दूसरे बुक जो लिखे थे कार्ल मार्क्स, उनका नाम है दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, ठीक है, दास कैपिटल बुक्स था, तो दो बुक उन्होंने लिखा था, एक था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, उनका डेथ हुआ था 1883 में। ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स वाज फॉर्मड इन द सोवियत यूनियन, और उन्हीं के हिसाब से हमारी सोवियत यूनियन में नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का शुरुआत हुआ था। वी एल लेनिन पुट इन टू प्रैक्टिस, इसके बाद कार्ल मार्क्स के बाद वी एल लेनिन इनके रास्ते पे चले पड़े, मीन्स ये वर्कर्स के डेवलपमेंट के लिए और भी अच्छे अच्छे काम करने लगे। ठीक है, तो आज हमने देखा अबाउट अब्राहम लिंकन कार्ल मार्क्स, नेक्स्ट पीरियड में हम मार्टिन लूथर की, महात्मा गांधी, इस सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसका जो शॉर्ट टाइम्स वगैरह है ना उसको कोशिश कीजिएगा करने के लिए। थैंक यू।